पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। घर के मालिक राजेंद्र गुप्ता, जिनका सेक्टर 22 में सेनेटरी का शोरूम है और मोहाली में कुछ दुकानें हैं, उन्होंने बताया कि बहू बाहर गई हुई थी पर बाकी घर के लोग घर पर ही होते हैं। बहू की ज्वेलरी और कैश गायब है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। घर में नौकर काम करने आते हैं और वे चले जाते हैं। कैश तो थोड़ा ही था। अच्छा, बोल गया। नहीं रहता कोई नहीं, नौकर काम करने आते हैं, चले जाते हैं। इस मौके पर निरीक्षण करने के बाद एसपी रवि कुमार ने बताया कि बिना किसी किस्म का ताला तोड़े अलमारी से ज्वेलरी और कैश गायब है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब बताई जा रही है। इस मामले की पूरी तरह छानबीन कर रहे हैं कि कैसे अलमारी के तालों से छेड़खानी किए बगैर ये ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गई। थेफ्ट का मामला सामने आया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने की चोरी हुई है अभी इनके हिसाब से? 1 करोड़ रुपए इन्होंने जो गहने और कुछ कैश रखा था वो चोरी हुआ। कैश मेरे ख्याल से अभी कन्फर्म नहीं है, पर 5-6 लाख बोल रहे हैं कि रखा हुआ था, अलग अलग जगहों पे रखा था, कहीं पे 2 लाख था, कहीं 50 हज़ार था। तो इस तरह से चोरी अभी कन्फर्म नहीं है। आज इनकी वो आई हैं, कल परसों आ गई थी रात को, इनकी जो बहू हैं वो गई हुई थी, तो वो बता रही हैं उनका जो लॉकर है और उनकी जो अलमारी है उसमें से गया है। तो कहीं पे कोई छेड़खानी नहीं है, कहीं पे कोई ताले टूटे नहीं है अभी तक जो समझ में आ रहा है, तो देख रहे हैं उसमें। बाकी लोग 1 करोड़ के आसपास गहने की वैल्यू जो बता रहे हैं। क्राइमबाज की डीएसपी हरजीत कौर ने मौके का निरीक्षण करने के बाद बताया कि अलमारी पर कोई भी तोड़फोड़ या फिर जबरी खोलने के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच कर रहे हैं और पड़ोसियों के घर के सीसीटीवी कैमरे की जांच हो रही है। ये अभी सुबह इनकी जो बहू आई है, परसों आई है, 1 महीने के बाद आई है, तो उसने आके चेक किया तो वो बता रही है अभी कुछ उसके गहने गायब हैं, तो वो वेरीफाई कर रहे हैं। कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई लॉक नहीं टूटा हुआ, तो उसको प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तो कुछ गहने मिले भी हैं, तो अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना क्या कह रहे हैं। अभी कंप्लेन नहीं, अभी यहाँ पर सीसीटीवी कोई नहीं है, बाकी आस पड़ोस में हम चेक कर रहे हैं अभी, अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए हमारे को।